हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी टेक चैनल। मैंने इससे पहले एआरओ स्टेज वन से संबंधित सभी सूचनाएं आपको दे दी थी कि इसका कैसा पैटर्न आता है और इस बार आने की कैसी संभावना है। तो कई बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर, इंग्लिश में कौन सी किताब पढ़नी है, करंट अफेयर्स में हम क्या फॉलो करें, और कंप्यूटर की पीडीएफ वगैरह हमको दे दीजिए, और यूपी स्पेशल में जो कि सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं अभी तक, उसमें हम क्या पढ़ें कि कम समय में हमारा काम बन जाए। तो उसके लिए मैं सबके लिए टेक्निक बताऊंगा कि कैसे तैयारी किया जाए और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन के लिए ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ें क्योंकि ये ज़्यादा आवश्यक है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया भी था, लेकिन एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में एसएससी वाली इंग्लिश आती है, बैंकिंग वाली नहीं आती है, जो कि ग्रामेटिकल होती है एसएससी वाली। तो उसके लिए मैं कुछ किताबें प्रेफर करूंगा जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। वो एक तो है नीतू सिंह, केडी कैंपस की आती है, ठीक है, दिल्ली में कोचिंग है, अब तो कई भी जगह ब्रांचेज हैं, लेकिन नीतू सिंह की केडी कैंपस की है, ठीक है। पैरामाउंट की पहले आती थी, केडी कैंपस की कोई भी मिले नीतू सिंह ले लीजिएगा आप, ठीक है, एसएससी वाली जो आती है। दूसरी लूसेंट ले सकते हैं आप, तीसरी आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, या फिर कोई भी आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें लगभग सभी ग्रामर दी हो, जो आपकी समझ में ज़्यादा आती हो, वो ले लीजिएगा, सफिशियंट है। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है, और 3-4 दिन में जितनी ग्रामर है पढ़ जाइएगा और रोज़ 1 घंटे पर रिविज़न करते जाइएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। दूसरा काम आप करिए हिंदी का, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन या फिर लूसेंट कोई एक ले लो और उसी को पढ़ लो, दो के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, कोई एक ही लेना तो ज़्यादा सही है। एक किताब को दो बार पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, दो किताब को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में या तो लूसेंट ले लो या फिर एक साइट है bankersadda.com, जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा, बहुत सक्सेस है ये कैरियर पावर और कोचिंग वालों की है। बैंकर्स अड्डा में एक कंप्यूटर का आपको कैप्सूल मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है, कंप्यूटर कैप्सूल, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप कमेंट डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी कंप्यूटर की बात, इसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। और उसके बाद इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद जो बात आती है यूपी स्पेशल की, यूपी स्पेशल हम कहाँ से करें, यूपी स्पेशल में आप ये करिए, घटना चक्र की एक बुक आती है यूपी स्पेशल, नाम से ही आती है, ठीक है, या एक आती है यूथ पब्लिकेशन की। घटना चक्र में मटेरियल ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप ये करिएगा, शुरुआत के जो 10 पेज होते हैं जिनमें स्टैटिक पोर्शन होता है कि यूपी के पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, और या फिर नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक कितने हैं और कितने मंत्री विधायक यहाँ के हैं, SC ST सीट्स कितनी है, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट के जो यूपी का सब नक्शा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यूपी का नक्शा जरूर पढ़िएगा तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसी तरह करेंगे तो इसमें आपका यूपी स्पेशल भी आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये कम में आपकी तैयारी करा देगी। अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप ये ले लीजिएगा और सिर्फ सिलेक्टेड पढ़िएगा क्योंकि किताब बहुत मोटी, इतना नहीं पढ़ना होता है, शुरुआत के 10 पेज और जो बीच बीच में जो आपको लगे इंपॉर्टेंट वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आप ये करिए कि जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, खासतौर से जो उसकी किताब के बीच में, यूपी स्पेशल जो होगा, जो समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स होगा वो देख लीजिएगा, शुरुआत के 10 चैप्टर देख लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा यूपी का अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो लेटेस्ट अपडेट हुए इधर 1 साल के अंतर्गत वो देख लीजिएगा, ठीक है। और उद्योग धंधे जैसे वन जिला वन उत्पाद जैसे जो ये नई स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी उत्पाद, जितने 75 जिले के जितने भी उत्पाद जिस जिले से संबंधित हैं वो रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो डांस है, लोक नृत्य हो जिसे कहते हैं, डांस हो गया, गीत हो गए जैसे कजरी हो गया और ब्रजवाला होता है, कई सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, वो हो गया, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा यूपी स्पेशल में। इसमें आपको सब में शॉर्ट में मिल जाएगा, इसमें थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत के 10 पेज बहुत कीमती हैं। तो ये तो हो गया इनका पोर्शन, ठीक है। इसके बाद हमको सबसे पहले मैंने जो बताया आपको, यही पहले जैसे बहुत स्टैटिक पोर्शन है करंट अफेयर्स, ये डायनेमिक में आ जाता है। करंट अफेयर्स आप कह रही है बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे PD हो गई, क्रॉनिकल हो गई, दृष्टि हो गई, या फिर परीक्षा मंथन हो गई, या घटना चक्र हो गई, कई सारी हैं, ठीक है। तो मैं इसमें जो आपको प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है तो उसमें क्या रहता है कि आपकी तैयारी सबसे अच्छी अगर किसी से होगी इसमें ना, तो घटना चक्र में, क्योंकि वन लाइनर पॉइंटर टाइप में निकाली हुई है इन्होंने, पॉइंटर टाइप में इन्होंने निकाली हुई है, तो 1 साल का मार्केट में इसमें उपलब्ध भी है 2017 से लेकर
मतलब 1 दिसंबर 2017 से लेकर शायद 1 जनवरी 2018 या 19 तक ऐसे दिया हुआ है, मतलब 2018 से 19 तक का पूरा कवर कर रखा है, दिसंबर 2018 तक का पूरा दे रखा है, 1 नवंबर से और दिसंबर 2018 तक का पूरा दे रखा है। जो बाकी आपका बचेगा 2 या 3 महीना वो मंथली भी आती रहती घटना चक्र की, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टडी आई क्यू साइट है यूट्यूब पे है चैनल, उससे आप कर सकते हैं वन लाइनर, लेकिन इसको आप बाद में करिएगा। सबसे पहले आप किताबों पे ज़्यादा फोकस किया करिए, यूट्यूब पे कम फोकस किया करिए, क्योंकि किताबों से ही पढ़ाई होती है। आप यूट्यूब पे पढ़ लेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप घटना चक्र पढ़िए 1 साल वाली पूरी, ठीक है। अगर वो लोग मंथली निकालते हैं, निकालते वैसे हैं, अगर आपको मिल जाती तो आप उसके बाद वो पढ़ लीजिए, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ने के बाद आप अपने आप को चेक करने के लिए या तो दोबारा इसको पढ़िए, 2-3 बार इसे पढ़िए, नहीं तो इस बार देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा इससे नहीं होता है क्योंकि इतना याद नहीं हो पाता उसमें पढ़ के, ठीक है। अगर आपको हो जाता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का एक फायदा और है, इसमें यूपी स्पेशल के जो अपडेट्स होते हैं 1 साल के 4 या 5 पेज में दिए रहते हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चल यूपी के स्टैटिक पोर्शन 10 पेज अगर यूपी स्पेशल से आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा यूपी स्पेशल भी तैयार हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन होते हैं वो जीएस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। सबसे जीएस पे बहुत फोकस लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो साइंस और कंप्यूटर और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में निकालने के बाद 25 से 30 क्वेश्चन जीएस के बचते हैं। उसमें लोग क्या है, हिस्ट्री और पॉलिटी ज़्यादा फोकस करिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी से उतने नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी साइंस वगैरह से तो आते ही हैं, तो आप इसमें बाद में करिए फोकस, पहले इस चीज़ पे करिए फोकस। उसकी जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी पर आइए। हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, लूसेंट में लास्ट के जो 10 पेज हैं वो पढ़ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद जितना भी पूरी हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न है उसमें हाईलाइटेड एरिया जितना वो पढ़ लीजिए। पॉलिटी के आप अर्जुन सिंह ले सकते हैं, ठीक है, या फिर घटना चक्र की पॉइंटर आती है, घटना चक्र की पॉइंटर हर सब्जेक्ट की आती है, ठीक है। आप पॉइंटर जगह मांगेंगे आपको मिल जाएगा, पॉइंटर हर सब्जेक्ट की आती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, तो आप ये चारों उठा सकते हैं, चारों पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं खोज पा रहे हैं, तो ऐसा मैं करूँगा जो इन पॉइंटर्स को उठाऊंगा, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है उसको पॉइंट आउट करा दूंगा, ताकि आपको और आसानी हो जाए। लेकिन सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। जीएस रोज 1 घंटा पढ़िए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फोकस करिए इन पोर्शन पे शुरुआत में 10 दिन के अंदर ये तैयार करने के, फिर आप इस पे फोकस कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लेकिन स्ट्रेटजी बनाते समय सबसे पहले यह ध्यान रखिए कोई भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं कि पेपर कराने वाली संस्था कैसी है, उसने पूर्व में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और इस बार पूछने के चांसेस क्या है, कि जो करंट सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा पेपर को अफेक्ट करता है। जैसे वीडियो का पूरा पैटर्न बदल गया, आईएएस का हर साल बदल जाता है, तो ऐसे ही जैसे पीसीएस का इस बार पूरा बदल गया था, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। संस्था क्या है, संस्था ज़्यादा लीक से अपने नहीं हटती है, उसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे आईएएस क्या है, हमेशा स्टैटिक डायनेमिक, मतलब जिसे कहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया, अप्लाइड पोर्शन पूछ लिया, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, एप्लीकेशन, समझ रहे हैं ना, ये तीनों पूछता है। और जो पीसीएस होता है वो सिर्फ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, इस पर फोकस करता है। और जो एसएससी होता है केवल केवल फैक्ट्स पूछता है, उसे कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे इसलिए संस्था संस्था निर्भर कर जाता है आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अगर आप इसके लिए कौन एप्लीकेशन पढ़ के जाते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। और जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट है एएससी, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पूछता है, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, साइंस में कॉन्सेप्ट पूछ लेता है प्लस फैक्ट्स, ठीक है, इसमें तो एप्लीकेशन भी छोटे मोटे, वो तो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाते हैं, वही पूछ लेता है, इसके कुछ भी नहीं पूछता है। तो आप खुद भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, अपनी स्टडी खुद से बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में है, आप खुद से तैयारी करेंगे कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो जीएस वगैरह हैं उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स अप्लाइड होता है और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और कोई गारंटी नहीं होती कि इतना सही होगा। लेकिन अगर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पढ़ लेंगे तो इसमें नंबर फिक्स होते हैं, और कम से कम 120 नंबर, 125 से 130 नंबर मान लीजिए इतना होता है, बाकी 75 मैक्सिमम, जिसमें साइंस वगैरह कुछ बहुत कम ही बैठता, ज़्यादा बैठता भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि 30 नंबर जीएस का मैक्सिमम होता होगा, बाकी पार्ट इन्हीं सबका हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, क्योंकि ये भी तो जीएस का पार्ट ही है ना।
तो इस तरह से आपकी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप अपनी स्टडी खुद से बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि मैं खुद भी जॉब में हूँ, समय निकाल के निकालना पड़ता है, इसलिए कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं बताने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसको सुधारने की भरसक कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, जो स्ट्रेटजी है उसे आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रेटजी को बनाकर ही इतने सारे एग्जाम निकाले हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।